सन 2004 में श्री गुरु सरमौड़िया में स्कूल का उद्घाटन हुआ था। उस टाइम मैं 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था और तब से मैं वहाँ शिक्षा ग्रहण की और कॉलेज भी मेरा वहीं से रहा। पिताजी का आशीर्वाद रहा और सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा, जिससे कि मेरा फर्स्ट टाइम में फर्स्ट चांस में आरएएस में सिलेक्शन हो गया और 170 रैंक थी तो मुझे आरपीएस मिला। वहाँ हॉस्पिटल भी बना हुआ है तो वहाँ हम मतलब छोटी छोटी चैरिटी करते रहते थे। बर्थडे पे जैसे हम थोड़े रुपए इकट्ठे कर ली, पार्टी कर ली, थोड़े बच्चे गए उसके चैरिटी कर दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी की दुआ हमारी सक्सेस के पीछे रही होगी। बाकी कहते हैं कि आरएएस का पेपर टफ रहता है, बाकी मैं तो बहुत जल्दी क्रैक कर गई फर्स्ट चांस में। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो हम छोटी छोटी जो चैरिटी करते थे, कोशिश करते थे कि हम किसी का भला कर सकें या किसी को कोई पीड़ित है उसको अपने राहत दे सकें, तो चाहे उस दौरान कहीं बाढ़ आई हो या कोई और प्राकृतिक आपदा रही हो, तो हम छोटी छोटी कलेक्शन करके हम स्वीट रोजेस ब्लॉक की तरफ से भेजते थे। बड़े अवसर पर ड्यूटी पर आप तैनात हैं और स्कूलों में भी आपने विजिट किया होगा एज अ चीफ गेस्ट, वहाँ के स्कूलों की और जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण करी डेरा के स्कूलों में क्या अंतर देखते हैं? आध्यात्मिकता का फर्क है। जो नई पनीरी आ चुकी है, चाहे वो शिक्षण संस्थान सरसा में है या बुधनी एमपी में है, चाहे गुरुसर में है, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि वहाँ दुनिया से बिल्कुल अलग माहौल है और वहाँ के टीचर्स हैं वो ऐसे नहीं सिर्फ क्लास टाइम में पढ़ाते हैं, पूरा दिन वो मतलब उसी तरह का माहौल देते हैं, बच्चों को आगे लाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, सच कहूँ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने विभिन्न स्थानों पर शिक्षण संस्थानों की जो पौध लगाई थी और उस पौधे के नीचे जितने बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं या कर रहे हैं या करके चले गए हैं, वो आज समाज में मुख्य धारा में समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत आज राजस्थान में हमारे साथ मौजूद हैं, नितिशा जाखड़ जी जो कि डीएसपी हैं बूंदी में, और इनके बारे में जितना बताएं उतना कम है। शुरुआत की अगर बात करें तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो डेरा सच्चा सौदा के संस्थान श्री गुरु सरमौड़िया राजस्थान से की है। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनसे। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये बताएं आपने कब शिक्षा ग्रहण की शिक्षण संस्थान में डेरा? सन 2004 में श्री गुरु सरमौड़िया में स्कूल का उद्घाटन हुआ था। उस टाइम मैं 6th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था और तब से मैं वहाँ शिक्षा ग्रहण की और कॉलेज भी मेरा वहीं से रहा। और बीए के बाद मैंने एमए ज्योग्राफी करना था तो मैं सूरतगढ़ से 2 साल मैंने पढ़ाई की, उसी के साथ साथ मैंने आरएएस की तैयारी की। और पिताजी का आशीर्वाद रहा और सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा, जिससे कि मेरा फर्स्ट टाइम में फर्स्ट चांस में आरएएस में सिलेक्शन हो गया और 170 रैंक थी तो मुझे आरपीएस मिला। और अभी फ़िलहाल मैं एज ए डीएसपी सीओ बूंदी लाखेरी में पोस्टेड हूँ। और जैसे वहाँ क्या है, बाकी स्कूलों से जो मुझे अलग लगता है वो ये सिस्टम है कि मानवता या नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का मेरे को जॉब मिल गया जहाँ अपने हर दिन किसी पीड़ित की सहायता कर सकते हैं और किसी मतलब पीड़ित को न्याय दिला सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस जॉब में बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है। और मैडम ये बताएं, आप जब ने आपने बताया कि 2004 में आपने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी, क्या मौलिक अधिकारों की जो तरीके की बातें होती थी, जो ह्यूमैनिटी की बातें वहाँ होती थी, उसका जिक्र भी ज़रूर करें, कैसा माहौल रहता था उस वक्त जब आप वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे? जैसे मैंने 6th क्लास की बात करूं तो तभी से जैसे हम छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पीड़ित पक्ष को कैसे अपने सहायता कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह सुबह क्लास में जाते थे तो सब एक एक रुपये इकट्ठा करते थे, पूरी क्लास जैसे 30 बच्चे हैं तो 30 रुपये इकट्ठे हो गए, तो महीने में जो हमारा मॉनिटर होता था वो इकट्ठे करता था। तो वहाँ हॉस्पिटल भी बना हुआ है तो वहाँ हम मतलब छोटी छोटी चैरिटी करते रहते थे। बर्थडे पे जैसे हम थोड़े रुपए इकट्ठे कर ली, पार्टी कर ली, थोड़े बच्चे गए उसके चैरिटी कर दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी की दुआ हमारी सक्सेस के पीछे रही होगी।
मैडम, आप इस तरीके से काम करते थे, ये शिक्षा आती कहाँ से थी और क्या लगता है इसी शिक्षा के बदौलत आपकी जो है बढ़ोतरी हो रही है? जिस तरह से मुझे बहुत ही इजी वे में आप कह सकते हैं सक्सेस मिली, बाकी कहते हैं कि आरएस का पेपर टफ रहता है, बाकी मैं तो बहुत जल्दी क्रैक कर गई फर्स्ट चांस में, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो हम छोटी छोटी जो चैरिटी करते थे, कोशिश करते थे कि हम किसी का भला कर सकें या किसी को कोई पीड़ित है उसको अपने राहत दे सकें, तो चाहे उस दौरान कहीं बाढ़ आई हो या कोई और प्राकृतिक आपदा रही हो, तो हम छोटी छोटी कलेक्शन करके हम स्वीट रोजेज ब्लॉक की तरफ से भेजते थे, तो उस टाइम उनकी दुआएं शायद हमारी सक्सेस के पीछे रही होगी। नितिशा जी, आप अब समाज में मुख्य धारा में हैं और बड़े अवसर पर ड्यूटी पर आप तैनात हैं, और स्कूलों में भी आपने विजिट किया होगा एज अ चीफ गेस्ट, वहाँ के स्कूलों की और जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण करी डेरा के स्कूलों में क्या अंतर देखते हैं? आध्यात्मिकता का फ़र्क है मुझे जहाँ तक लगता है, तो जहाँ भी मैं जाती हूँ या जहाँ एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो मैं उन बच्चों को भी मोटिवेट करती हूँ कि अपनी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे या फिर शारीरिक रूप से कोई परेशान होंगे, तो उनकी सहायता करें, तो इससे क्या है कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है, उनकी दुआएँ काम आती है। और जो बच्चे अब जो नई पनीरी आ चुकी है, चाहे वो शिक्षण संस्थान सरसा में है या बुधनी एमपी में है चाहे गुरुसर में है, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? जो माहौल आपने जो पहले देखा वही माहौल मेंटेन हो क्या कहीं नहीं? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे टाइम जो माहौल था आज भी वैसा ही होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया से बिल्कुल अलग माहौल है और वहाँ के टीचर्स हैं वो ऐसे नहीं सिर्फ क्लास टाइम में पढ़ाते हैं, पूरा दिन वो मतलब उसी तरह का माहौल देते हैं, बच्चों को आगे लाने का प्रयास करते हैं, और जिस तरह से रिजल्ट रहता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर मोस्टली गुरुसर का ही रहता है गंगानगर में, तो जो मैंने देखा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है और हमारे वहाँ के बहुत बच्चे आगे आ रहे हैं। तो अब आप जो बचपन है कितना मिस करते हैं, जो आपने बचपन उन स्कूलों में व्यतीत किया है, और पूजा गुरु जी भी जब आते होंगे क्या बातचीत होती थी, ऐसी कोई पल आप साझा करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, जो मतलब मैं स्कूल में जो सीखा कि किस तरह से मतलब आप पीड़ित को या न्याय दिला सकते हैं या सहायता कर सकते हैं, उसका पिताजी की दया में रहमत से मुझे बड़ा लेवल मिल गया और आज मैं ऐसी पोस्ट पे हूँ, तो मैं उसी तरह से सोच के साथ पूरा दिन अपना जो काम मुझे मिलता है अच्छे से करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आखिरी सवाल है मैडम, पूजा गुरु जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने की बदौलत ही आज जो आप जैसे हजारों विद्यार्थी हैं मुख्यधारा में समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए दो शब्द क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेरा परिवार मेरे जन्म से पहले से पूजा गुरु जी से जुड़ा हुआ है, तो उनकी जो विचारधारा है उनके जो सिद्धांत है उनको मैं फॉलो करती हूँ, उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। तो आज स्पेशल राजस्थान में यहाँ समागम में आए आप? बिल्कुल, आज मैं छुट्टी लेके यहाँ आई हूँ और इस जो प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आई हूँ। नशों के खिलाफ भी बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, हमने यहाँ कवर किया है, बहुत बहुत टोलियाँ 30-30, 35-35 लोगों की टोलियाँ विभिन्न राजस्थान के जिलों से आ रही हैं, इसे कैसे देखते हैं? आपकी बात सही है, आज जो मुख्य समस्या अपने समाज में है वो नशे की है, और नशा भी कोई एक प्रकार का नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के नशे चल रहे हैं, जो युवा वर्ग है उसमें बुरी तरह से लिप्त है और हम भी आए दिन इन चीज़ों को फेस करते हैं, तो मुख्यतः मुझे लगता है कि अपने घर परिवार में नैतिक मूल्यों की सख्त ज़रूरत है, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चा सक्सेस हो ना हो अच्छा आदमी बनना चाहिए, तो शुरू से ही नैतिक मूल्य चाहे कोई बेटा हो चाहे बेटी हो सबको ही देने चाहिए। मैडम, समाज में आखिरी सवाल है, समाज में जो डेरा श्रद्धालु जन जन तक नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप पुलिस अफसर हैं तो क्या पुलिस को भी इस तरीके की जो सहायता मिलेगी, क्योंकि आम जन आप जब आपके साथ खड़ा होगा इस तरीके के मुहिम को लेकर? बिल्कुल, जो जहाँ भी इस तरह के जो एनजीओ है या अपने डेरा सच्चा सौदा कहीं भी इस तरह का अभियान चलाता है तो पुलिस उसकी सहयोग करती है। तो ये थी नितिशा जाखड़ जी, जिन्होंने अपना बचपन जो स्कूल का समय था श्री गुरुसर मोड़िया में व्यतीत किया और आज इस मुकाम पर हैं कि ये बूंदी में एज अ DSP की ड्यूटी पर तैनात हैं। आपने ये स्टोरी देखी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर शिक्षण संस्थान खोले हैं, उनमें पढ़े जो ये इस तरीके के जो नौजवान हैं बड़े स्तर पर समाज की मुख्यधारा में समाज का ही नेतृत्व करके पूज्य गुरु जी व देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।